इस वक्त उत्तराखंड के कई जिलों में जमकर बर्फबारी हो रही है और 6 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं वहां का नजारा और वहां की परेशानियां फिलहाल लोगों के सामने किस तरह से आ रही हैं। तो लगातार 2 से 3 दिन जमकर बर्फबारी, जमकर बारिश वहां पर हो रही है। तस्वीरें हल्द्वानी, चंपावत और इसके साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, मसूरी और नैनीताल की है, जहां पर एक तरफ जो पर्यटक हैं वो जमकर इस बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं, लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए यहां पर परेशानियां बनी हुई हैं, क्योंकि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जब जरूरी काम हो रहे हैं तभी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो नजारे ये उत्तराखंड के हैं, ऊंचाई वाले इलाकों के हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी का जो दौर है वो जारी है, लेकिन प्रशासन भी इस बीच अलर्ट है। येलो अलर्ट जिस तरह से, रेड अलर्ट जिस तरह से जारी किया गया था वहां पर उत्तराखंड में, ऐसे में प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है कि कभी भी किसी भी तरह की स्थिति बन सकती है, तो ऐसे में सतर्क रहें। लेकिन फिलहाल ये नज़ारे बयां कर रहे हैं कि लुत्फ किस तरह से जो पहाड़ों में पर्यटक पहुँच रहे हैं वो उठा रहे हैं, तो स्नोफॉल का कोई मजा ले रहा है तो कोई स्कीइंग का मजा ले रहा है। दिक्कतें भी सामने आ रही है पर्यटकों के, क्योंकि जिस रास्ते से वो निकल रहे हैं वहां पर भारी मात्रा में बर्फ जमी है और ऐसे में बर्फ को हटाकर ही वहां से निकलने का रास्ता बनाया जा रहा है। देश का मिनी स्विट्जरलैंड यानी चोपता दुगलबिट्टा, और आज हम पहुंचे हैं चोपता दुगलबिट्टा में। हमारे साथ कई यहाँ पे सैलानी हैं जो चोपता और दुगलबिट्टा की सैर करके यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कितना अच्छा आपको यहाँ पे लग रहा है और वो कहाँ से आए, कितना उनको अच्छा महसूस हो पा रहा है यहाँ पे। आप कहाँ से आए? हम अभी चोपता से ट्रेक करके आए हैं 7 किलोमीटर नीचे, तो वहाँ पे पूरा बर्फ भरा हुआ है और हम लोग 16 लोग है ग्रुप में, हम 16 लोग ट्रेक करके नीचे। बहुत अच्छा लग रहा है, सीनिक ब्यूटी बहुत ही सुंदर है, पर कोई गाड़ी नहीं जा रही, आप आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, बट इसको सीनिक ब्यूटी अच्छा लगता है, ट्रेकिंग अच्छा लगता है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जहाँ पे जाके वो एंजॉय कर सके। आप कहाँ से आए यहाँ पे? आए हैं कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए। ओके, कैसा लगा आपको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि स्विट्जरलैंड जाकर डॉलर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, अगर इधर आ जाए हम लोग हिमालय के नीचे तो मिनी स्विट्जरलैंड मिल सकते हैं इधर। और यहाँ पे लोग, आप बताइए आपको कैसा लगा? मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये जब हम लोग उधर से आ रहे हैं, अब तो उधर जा नहीं पाओगे, तो ये वीडियो हमको दिखाती हूँ कैसे हम लोग उधर से आए हैं। तो आप देख सकते हैं, आप कुछ वीडियो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें चोपता की, ये आपको दिखाना चाहते हैं हम बस। तो आपने वहाँ पे काफी बर्फ है, ट्रैक भी किया आपने? हम लोग 9 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी पर्यटक आए हैं भारी प्रदेशों से यहाँ पे, और कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बच्ची, कुछ बताइए आप। बोलो। चोपता गए थे जी, वहाँ हम सोचे थे बहुत बर्फ रहेगा, पर इतना ठंड लग रहा है, हम जैकेट पहन के ही सो गए। अच्छा, ठीक है। साफ तौर से छोटे बच्चे भी यहाँ पे हैं और भारी प्रदेश, बहुत जगह से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बहुत सारे लोग जगह से यहाँ पे लोग पर्यटक पहुंचे हैं, और उनका ये भी कहना, छोटे बच्चे भी, महिलाएं भी हैं, कुछ जेंट्स भी हैं, उनका साफ कहना कि मिनी स्विट्जरलैंड चोपता को कहा जाता है, असल में मिनी स्विट्जरलैंड है, वो देवभूमि का और इस देश का। चोपता दुगलबिट्टा से R9 के लिए मैं संदीप भटकोटी।